कांग्रेस ने सोलन के माल रोड पर अपना कार्यालय खोल लिया है। कार्यालय का उद्घाटन स्वयं शिमला संसदीय सीट के प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल ने किया। धनीराम शांडिल पुराने बस स्टैंड से लोगों से मिलते हुए अपने कार्यालय पहुंचे और फिर रिबन काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। इस मौके पर धनीराम शांडिल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस किस तरह जीत हासिल कर सकती है इसके टिप्स भी दिए। कांग्रेस ने सोलन के माल रोड पर अपना कार्यालय खोल लिया है। कार्यालय का उद्घाटन स्वयं शिमला संसदीय सीट के प्रत्याशी कर्नल धनीराम शांडिल ने किया। धनीराम शांडिल पुराने बस स्टैंड से लोगों से मिलते हुए अपने कार्यालय पहुंचे और फिर रिबन काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। इस मौके पर धनीराम शांडिल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कांग्रेस किस तरह जीत हासिल कर सकती है इसके टिप्स दिए। कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप पर पलटवार करते हुए कहा कि सुरेश कश्यप उन पर तंज कस रहे हैं कि मंत्री रहते हुए उन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन शायद उन्हें ज्ञान देने की आवश्यकता है। लेकिन अगर उन्हें फिर भी विकास दिखाई नहीं देगा तो वह उन तक विकास कार्यों की पूरी लिस्ट उपलब्ध करवा सकते हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह का संशय नहीं रह जाए। उन्होंने कहा कि अभी वर्तमान में भी उनके 5 प्रोजेक्टों पर कार्य चल रहा है, लेकिन भाजपा उन कार्यों में कोई खास रुचि नहीं दिखा रही है, जिसके चलते लगता है कि भाजपा के विकास में कोई रुचि नहीं है और वे केवल राजनीति करना पसंद करते हैं। उनका अपना विचार और अपनी समझ है, अगर उन्हें थोड़ा सा भी आप लोग कोई ज्ञान दें तो आप कह सकते हैं कि अभी भी कम से कम 5-6 प्रोजेक्ट्स तो अभी भी ऐसे हैं जो हमारे चले हुए हैं लेकिन पूरे नहीं हुए। अगर आप चंबा घाट से ही शुरू कर दो तो वहाँ पे हमारा बहुत अच्छा सर्किट हाउस बनने जा रहा है और बन ही जाएगा। इतने काम में गिनूँ तो मेरे पास इतना समय तो है नहीं, परंतु आप इसकी लिस्ट दे देंगे उनको। 463 करोड़ के काम इस पूरी संसदीय क्षेत्र में हुए हैं, जिसमें DC ऑफिस तो शुक्र है कि हमने राजा वीरभद्र सिंह जैसे महान नेता के माध्यम से और उनके आशीर्वाद से पूरा कर दिया था और वो लोकार्पण भी कर दिया था। अगर वो भी नहीं करते तो शायद उन्होंने कहना था यहाँ पे तो झोंपड़ी भी नहीं बनी। तो यहाँ पे बहुत अच्छे काम आरंभ किए गए हैं। पैदल पथ तो हमारा चंबा घाट से जो सबसे जुड़ी चीज़ है वो तो अभी बन रहा है और बनेगा अवश्य, परंतु जैसा मुझे विकास का इनका नज़रिया दिखता है तो इस हिसाब से तो शायद वो दूसरे टर्म में भी नहीं बनेगा। कार्यक्रम कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एस्ट्रो के साथ। नमस्कार।